इनको भी 62 ईयर्स यहाँ पे लगभग हो चुका है। यहाँ पे जितने चीन ने कब्जे किया था देश को, माता पिता जो था वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारा डे टू साकोली में, और आज हम यहाँ से नवेगा बांध जाएंगे देखने। कल जो हम गए थे वो दूसरा बांध था, तो अभी हम जो जा रहे हैं वो एक नया प्लेस है, वहाँ के भी नेचुरल क्लाइमेटिस बहुत ही अच्छी है। तो थोड़ा समय हो गया निकलने में, बट देखते वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते। हम अभी एक स्पॉट पे रुके थे जो लखनदू रोड पे शिवनी बांध का शिव महाराज का टेम्पल है। तो शिव जी का ये जो टेम्पल है ये मतलब देखने के लिए बहुत ही वर्थ सीइंग है, क्योंकि यहाँ से पूरा ऐसा नीचे का पीछे साइड का पूरा व्यू मिलता है, और ये साइड में भी पीछे का पूरा ऐसा पूरा व्यू मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर आप ये रास्ते से जाते हो तो ये देखना बहुत मतलब बहुत ही वर्थ है, क्योंकि वो मतलब हाईवे से एक रास्ता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड की आपको कटिंग मिलेंगी। तो वहाँ से बाकी यहाँ का मतलब इन्जॉयमेंट ले सकते हो, क्योंकि नेचर में पीस यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा देखने मिलता है। चलो चलो चलो, तो अगर हमने जस्ट अभी एक छोटा सा स्टॉप लिया था, क्योंकि ये साइड में ऐसा मतलब रास्ते से चलते हुए तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो साइड में मतलब जैसा लोग जो घूमते वगैरह तो उनको थोड़ा रेस्ट करने को वगैरह बनाया हुआ था, कि हाईवे की जस्ट बाजू में। और ये पीछे साइड में मतलब ऐसा है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हट्स वगैरह बने हुए हैं, तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पे लोग जब आते हैं तो नेचर के साथ में फोटोग्राफी वगैरह भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और मेन चीज़ ये थी यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे मतलब मेरे को मेनली चीज़ देखने मिली कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं घूमने वगैरह, वहाँ पे गंदगी कूड़ा नहीं फैला रहे, जिसकी वजह से इस जगह में मतलब घूमने के लिए थोड़ा मतलब और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे नवेगांव बांध आए हुए थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये बांध यहाँ के मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब ये पूरा पिकनिक स्पॉट ही दिख रहा है हमको, मतलब यहाँ पे जितने भी चीज़ें हमने देखी है पूरा पिकनिक स्पॉट जैसा ही है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी मतलब होती है। और दूसरी चीज़ की पिकनिक स्पॉट वही तो बोला, पिकनिक स्पॉट ही है, नहीं है कोई सेंस है इस बात की। तो और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत लोगों ने मतलब ये तालाब में कूद के अपनी जान वगैरह भी दी है। तो ऐसे मतलब यहाँ पे लोगों ने हमको बताया, हमने अभी कोई प्रेजेंट में ऐसा कुछ हमने देखा नहीं यहाँ पे। और बोला जाता है कि यहाँ पे मतलब ये सबसे फेमस है, और ये पुराना भी है ना। बहुत पुराना भी यहाँ पे ये बांध है, नवेगांव बांध। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो वर्थ सीन है ये भी, यहाँ पे अगर आप घूमने आते हो तो मतलब ये भी साइटिंग कर सकते हो, MTDC का भी है यहाँ पे।
फ्रेंड्स अभी हम आए हुए थे तिब्बत के रिफ्यूजी कैंप में, तो हमने यहाँ पे मतलब ये इनकी ना एक बहुत अलग से एक सिटी है, क्योंकि जो दलाई लामा थे उनने ये इनको यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप एज ए रिफ्यूजी कैंप यहाँ पे उनका रखा हुआ था, क्योंकि हमने अभी अंदर वीडियो फोटोज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका मतलब रहता थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे उनके पूरी फोटोज़ वगैरह लगी हुई है। और यहाँ पे मतलब देखा जाए तो पीछे आप देखोगे कि इनके पूरे ऐसी मतलब हाउसेज वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, पीछे में भी यहाँ पे पूरे घर वगैरह पूरे बने हुए हैं, गवर्नमेंट फंडेड रहता है इनका सब कुछ, वहीं से सब कुछ होता है। और मतलब यहाँ की बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री है, इनका भी 62 इयर्स यहाँ पे लगभग हो चुका है, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं कुछ लोग का बर्थ भी यहीं का है। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई यहाँ पे मिलता है तो उसको मैं पूछूँगा कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो शायद कोई हमसे बात कर सके, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती होंगी, क्योंकि अभी आते थे टाइम मैंने उनका सुना हो तो वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करते, शायद वो हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर कम्युनिकेशन हो जाता है तो मैं उनको थोड़ा हिस्ट्री पूछने की कोशिश करूँगा। ये केम का हिस्ट्री कैसा है बोलने से, पहले जब हम लोग का माता पिता जी तिब्बत से चीन ने कब्जे किया था देश को, तो माता पिता जी था तो भाग के यहाँ से उड़ीसा बोलने वाला जगह है, तो वहाँ से वहाँ में ज़्यादा आदमी होने के कारण से फिर यहाँ पे जगह दिया, तो यहाँ पे सेटल हो गया माता पिता जी लोग, तो हम लोग तो पैदल श्री इधर का है, तो अभी यहाँ पे खेती वगैरह है तो गुजारा करने के लिए। हाँ, कैम नंबर एक और कैम नंबर दो है, ऊपर कैम और नीचे कैम, इसमें डिफरेंस 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 तो फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि जगह नहीं था ना उस टाइम में, तो जगह नहीं था उसका कारण से भारत ने यहाँ पे जितना भी तिब्बत कैम है रिफ्यूजी, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो उधर भी जगह दिया हुआ है, तो साथ में होने से जगह ही नहीं था उसके कारण। यहाँ अभी हमारा हो चुका है बहुत बड़ा वाला पोपट, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत बहुत ही भयंकर हैं, यहाँ भी मतलब ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे पूरे पैचेस हैं, और हमारी जो गाड़ी है वो आगे साइड में, क्योंकि गाड़ी से भी सभी को उतरना पड़ा, क्योंकि अगर गाड़ी अगर फंस गई तो यहाँ बहुत वांदे हो जाएंगे। और मतलब सबसे सही चीज़ ये है कि बाजू में पूरा पानी है यहाँ पे, और ये पूरा जंगल का अंदर है, और जंगल के अंदर में मतलब हम ही लोग हैं यहाँ पे, बाकी को रास्ते से दिख ही नहीं रहा, और ये साइड में पूरा पूरा घना जंगल, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये। बेटे बेटे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
सो गाइस अभी बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी है, अभी हम मतलब जस्ट घर पहुँचे क्योंकि बीच में बहुत ही ज़्यादा हमको जाम मिला था। सो ये ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अभी सभी को नींद आ रही है, अभी सब घर जाके मतलब सोने ही वाले, बहुत ज़्यादा ही मतलब एग्जर्शन टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ज़रूर से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पोअर सेल्फ इज दर्स एंड टेक केयर, बाय बाय।